कुछ दिनों से चल रहा था कि धमकी भरे संदेश मिल रहे हैं। उज्जैन से भी कुछ संदिग्ध की गिरफ्तारी हुई, क्या प्रमाण है? इंदौर में थाना जूनी में एक अपराध पंजीकृत किया गया था, आप लोगों ने कुछ ध्यान होगा। कुछ दिन पहले एक इस तरह का एक पत्र मिला था जिस पर जान से मारने की धमकी दी गई थी। उसका आधार पर इंदौर पुलिस जो जांच कर रही थी, जांच के आधार पर उन्हें एक संदिग्ध को नागदा में होना बताया था। उनकी सूचना पर हमारी नागदा पुलिस ने तो उसको हिरासत में लिया है, और उस हिरासत में लेने के बाद उससे पूछताछ की गई है। प्राथमिक पूछताछ के बाद इंदौर की टीम आ रही है, चूंकि प्रकरण उनके यहाँ पंजीकृत है, तो बाकी विवेचना आगे इंदौर पुलिस करेगी। सर कौन आरोपी और क्या प्राथमिक पूछताछ में जानकारी मिली? आरोपी का नाम जैसा आप जानते हैं कि नहीं दिया जा सकता है, संदिग्ध है, नागदा में रहना पाया गया, मूलतः वह रायबरेली का रहने वाला है। थैंक यू सर, थैंक यू।